गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 9:30 बज चुका है और अभी से मैं अपने वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं हूँ ससुराल में, तो मैं उस दिन मासी के घर से तुरंत इधर आ गई थी, तो जस्ट मासी के घर तक ही वीडियो मैंने बनाया था, उसके बाद अभी तक नहीं बनाई, बस आज स्टार्ट किया था। और जो भी वीडियो वगैरह था एक दो मैंने अपलोड कर दिया, और कुछ बाकी भी है उस दिन का जिस दिन मैं आई थी इधर पर, तो बस वो सब अपलोड करना है, बाकी एडिटिंग वगैरह सब हो गया। और यहाँ पे आ जाने के बाद मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल मुझे नहीं छोड़ रहा था एक सेकंड के लिए भी, तो इस वजह से मैं कुछ और कर ही नहीं पाई। तो थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था एक दो दिन, तो अभी सही है, सब कुछ अभी ठीक है, तो इसलिए सोचा कि चलो थोड़े से वीडियो बना लेते हैं, बस इसलिए बना लिया। और एक्चुअली आज उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई, सोने में भी लेट हो गया था, तो अभी 9:30 बज चुका है, बस 15 मिनट हुआ है मैंने भी उठा, तो मैं अभी ऊपर हूँ, नीचे जाऊँगी बेटी को लेके, बेटी भी उठ गई है। और आज का वेदर है कैसा है दिखाती हूँ। जो है ना बहुत ज़्यादा धूप है, कुछ बहुत ज़्यादा धूप है, तो सर्दी भी आ गई, मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो मौसम ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है, उतना ज़्यादा भी नहीं ठंडी लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत पंखा चल रही है अभी भी, लेकिन अच्छा है मौसम। तो यहाँ पे मम्मम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आजकल ये भी लेट कर रही है उठने में, 9:30 बजे तक उठते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं एक्चुअली हम लोगों का नीचे है जो खाना सब कुछ नीचे ही करते हैं, बाकी सोने के लिए रात में ऊपर आते हैं, तो ऊपर में फिर एक बार नहाने के लिए ले आती हूँ ऊपर, बस इतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नीचे रहते हैं क्योंकि मेरी सासू माँ भी नीचे है, तो इस वजह से। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और अपनी बेटी को इधर सुला दिया, देखो किस तरीके से बात सुनते हैं, ध्यान से बात सुनते हैं। अभी मैं कुछ खाऊंगी और उसके बाद उसको भी खिलाना है। नहीं, तुम क्या खाओगे? और सासू माँ किचन में है, तो अभी बेटी के पापा के फोन आ गए थे वीडियो कॉल, तो एक्चुअली मैंने लगाई थी, तो उसके साथ बातचीत हो रही है मेरी बेटी का, और देखो कैसे शरारत कर रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर
बहुत ज़्यादा आजकल मतलब इधर उधर चटकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से भी रखना पड़ता है अगर बेड में रखी तो आजकल कुछ इस तरह से करते हैं, बैठे नहीं रहते चुपचाप, इसलिए चारों तरफ से मतलब तकिया रख के बैठाना पड़ता है। तो फिर अभी बस बातचीत चल रही है, और एक छोटा सा येलो कलर के ये है पैक पैक, तो इसके साथ खेल रहे हैं। तो अभी मैं ब्रेड टोस्ट खाऊंगी, मेरा ब्रेकफास्ट बन गई है। দেখো তো মা কোথায়, এই যে এই যে মা কোথায়, এই তো থামির কোলে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ঘোরাতে পারি, থামির কোলে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পারতাম, এখন তুই এতে তুই করতে পারি। হ্যাঁ আমি বড় হয়েছি, কি মা নেয়নি, মা নেয়নি, মা নেয়নি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এসব আমার ভালো লাগে না, কোলে নিতে হবে, তেল মাখাতে হবে। তো মে আবি চাই পি রহি হু, और इधर ऑयल मसाज हो रही है अभी बीच का, अभी थोड़े से धूप में ले जाऊंगी। चलो तुम तांग तुम तांग। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं बेटी को लेके, नीचे थी तो ऑयल मसाज कर रही थी ऑयल मसाज कर रही थी, देखो अभी तक रो रही थी। यहाँ पे आ जाने के बाद ना मतलब मैं जितना टाइम इसके साथ रहूँ ठीक है, जब भी मैं इधर उधर चली जाती हूँ रोने लग जाते हैं, ऐसा है। तो इतना जस्ट मैं पानी गर्म हो रहा था गीजर में, तो मैं पानी जाके नहाने का जाओ जो भी है प्रिपरेशन वो ले रही थी, तो इस बीच में रोने लग गई। अभी आ गई तो ठीक है, ऐसा करने से चलेगा बाबा, मम्मी को और भी तो काम है। यहाँ पे नीचे दादी के साथ थोड़ा बहुत खेला है, दादी के साथ थोड़ा बहुत खेल लिया है, खेल लिया है। गुजीबा माँ, तो बस अभी नहा इसको नहला लेती हूँ, और थोड़ा बहुत धूप था बाहर तो धूप में मैंने इसको रखा है। और यहाँ पे आज मैंने ना जो भी मेरा कुछ कपड़े थे जो अलमीरा में था तो वो सब मैंने ऐसे धूप में रखा है,
थोड़ा सा गर्म, बहुत दिन तक उसको यूज़ नहीं किया है तो उसको थोड़ा बहुत धूप देना ज़रूरी है। जाम जो भी होता है वो चले जाते हैं धूप से, तो इसलिए उसको धूप में शेक रहे हैं। तो अभी इसको नहला लेती हूँ मैं। तो मैंने अभी नहा लिया और आज मैंने ना साड़ी पहनी बहुत दिन बाद, मतलब मम्मी के घर में एक दो बार पहनी थी, तो चलो मैंने आज ये साड़ी पहनी रेड कलर की। तो बस बेटी उठ जाए, उसके बाद उसको लेके नीचे जाऊंगी, लंच भी करना है उसको, मतलब खिलाना है, तो वो सब करना है। अभी तक सो रही है और मैं बहुत धीरे धीरे आवाज़ कर रही हूँ ताकि उठ ना जाए। एक्चुअली भी 2:30 बजने भी वाली है, तो खिलाना भी है आज। थोड़ा सा लंबा नींद ले रही है और मैं यहाँ पे जो मेरा सारा ब्लाउज वगैरह था ये सबको आज धूप में दिया है, तो उसको अच्छे से रख लूँगी। और इनमें से बहुत सारा ब्लाउज जो है मुझे अभी हो नहीं रहा है, फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भी मोटा भी हो गई हूँ, तो इस वजह से सारे को अलग से रख रही हूँ। और 2-4 है जो अभी पहन सकती हूँ तो उसको अलग से रख रही हूँ। सब मैं काम कर रही हूँ जब तक ये उठ ना जाए, उठ जाएगी तो मैं नीचे जाऊँगी खिलाने के लिए। জল খাওয়া হচ্ছে চুপ চুপ করে, জলটা টেস্টি, ওইটাই ভালো লাগে আমার। ভালো ধরে রেখেছে জিনিসটাকে। লালমাকে দেখছো? লালমাকে আমি কেটে ও আমাকে দেখাচ্ছে, এই দেখো তাকালো কি গো কি হচ্ছে, তাকিয়ে থাকে ভিডিও বানানোর সময় তাকিয়ে থাকে, ভিডিও ফটো না বুঝতে পারো তুমি। ত
বেটো কি কি তুমি তো লাঞ্চ করলে না, লাঞ্চ মাম্মামি তো লাঞ্চ করে নিলে, তুমি করলে না। तो हम लोगों का भी लंच हो गया और जल्दी जल्दी में खाया। तो खाओ खाओ खाओ, धरो धरे खाओ, भालो खाओ, जल खाओ, जल खाए, আমি জল খাই। হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমি বেটি জো হ্যাঁ সোয়া তো নেই হ্যাঁ দাদি কে সাথ ইসরুম উসরুম কর রে হ্যাঁ আর মুঝে থোড়া সা কাম হ্যাঁ ল্যাপটপ মে এডিট করনা হ্যাঁ মুঝে আর এক আপলোড মে ভি লাগানা হ্যাঁ ও কর লুঙ্গি আজ আর আজ থোড়া সা লাঞ্চ করনে মে লেট হো গয়া আর বহুত হি জলদবাজি মে মানে কিয়া হ্যাঁ লাঞ্চ ইয়ে बोल रही थी ना कि बेटी जो है आजकल बिल्कुल नहीं रहता है, मुझे एक सेकंड भी नहीं छोड़ता है, तब तक जगे रहते हैं। तो अभी लेके गया है, तब 15 से 20 मिनट होते होते ही चाहिए मुझे, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है कुछ भी। तो अभी देखती हूँ, थोड़ा सा ऊपर भी जाना है, कपड़े वपड़े हैं उसको उठाना है। আমার হাতটা যদি এরকম করে ছাড়িয়ে দেয় তাহলে আমি ধরবো কি করে? আমি এরকম করে ধরে কি চমকে এরকম করে ছাড়ি? কি হচ্ছে ঠাম্মির সাথে খেলা? বুঝছো বুঝছো তাই বিরু বিরু হলো গেল মোল্লাদ্দর মসজিদ পর্যন্ত ঠাম্মির সাথে বেরু বেরু এইটুকুনি এইখান থেকে এইটুকুনি একটু চেয়ারে দুললাম আমি একটু থাকুন থাকুন তো আমি মেরে বেটি জো হ্যাঁ দাদি কে সাথ ইস রুম সে উস রুম কর রহি হ্যায় থোড়া সা ঘুমানে কে লিয়ে লে জা রহে হ্যায় और बहुत ज़्यादा खुश है दादी के साथ खेलते हुए। तो मेरी बेटी जो है दादी के साथ लेटे लेटे खेल रहे हैं और अपने पैर से दादी को हिला देंगे, तो बस इस तरीके से एक साथ में खेल कूद चल रही है। दादी को भी बहुत दिन बाद मिला है तो बस एक साथ मिल के जितना इंजॉय कर लिया जाए अच्छा है, ज़्यादा दिन तक भी नहीं है ना यहाँ पर हम लोग, तो बस चल रही है। और बस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।